नमस्कार आगक आसुची सप्तपुरी अमावास्या बा भाद्रव अमावास्या श्रीमंदिर द्वादश यात्रार अंतर्भुक्त न होइथिले मध्य एहार स्वतंत्रता एवं गुरुत्वपूर्ण भाव अनेक रहिछि। ए देखंतु एइभळि भावरे मु पूर्वरु आपनकु सप्तपुरी पिठा करिकि मध्य देखैछि। लोकंक धारणा बडदेळरे एइ पिठा लागि करा जायथाय, किंतु ना बडदेळरे सप्तपुरी अमावास्या दिन एइभळि सप्तपुरी भोग लागि करा जाय, जेउंथिरे कि बहुल परिमाणरे काकरा प्रस्तुत कराए। एमितिकि वर्ष जाकर जेतिकि काकरा हुए ए सप्तपुरी अमावास्यारे सर्वाधिक काकरा बड़देउळरे प्रस्तुत कराए एवं पूर मध्य प्रस्तुत कराए। सप्तपुरी अमावास्या पूर्वदिन माने भाद्रव कृष्ण चतुर्दशी दिन स्वतंत्र नीतिकांति होइथाय। राखी पूर्णिमारे जेमिति पाटर विषयक द्वारा स्वतंत्र भावरे पाट राखी प्रस्तुत कराए, सप्तपुरी अमावास्या समय कुंभार विषयक द्वारा स्वतंत्र बृहत्काय ताड़ प्रस्तुत करा जाए एवं प्रथमे माँ आलमचंडी पाखे रुहे, तापर घंट छता एवं काहाड़ीर पटुआरारे श्रीमंदिर को आसी थाए। एही दिन श्रीमंदिर पूजा पंडा आज्ञामाला नहीं माँ दक्षिणकाली पाखक जाती, दक्षिणकाली मंदिर आज्ञामाला नहीं कि सेवक श्रीमंदिर रोष पाइक को दे थांती। तापर सतपुरी रोषे स्वतंत्र भाव होम है जा सतपुरी भोग प्रस्तुत करा जाए। श्रीमंदिर भले सुवर्णपुर व सोनपुर रे एही दिन लंका पोड़ी हुए एवं एहाकु पोरा उवास बोली मध्य कुहा जाय थाए। तेबे चलंतु सप्तपुरी अमावास्या रे बडदेउळ रे हेथुवा स्वतंत्र सतपुरी पिठा को मु आज करिके आपण मानको देखेबी। सेथिपई मु प्रथमे पूर को प्रस्तुत कर नउ छी। पूर करिबा पई मु आधा कप गुड़ देकी सेथिरे अल्प पानी दे दउ छी। एही पूर रे स्वतंत्र भाबरे फाळ सोलार व्यवहार करा जाय। फाळ सोला बा बुट डाली को मु भल भाव धोईकी किछि समय पई बतुरै देथिली। बतुरी गला परे से बुट डाली को ए पूर रे दे दउ छी। ता सहित गोटे कप पूरा नड़िया को दउ छी। वर्तमान एथिरे गोटे मसलार व्यवहार करिबा, जेउथिरे किछि गोलमरीच, अल्प लवंग, अल्प जायफल को गुंड करके दे देबा। ता सहित टिके कर्पूर को मध्य दे देबा। नेथिबा जिनस को पूरा भल भाव रे मिसै नबा। ए देखंतु गुड़ पूरा भल भाव रे थरळी जाय छी। या सहित नड़िया एवं सोला को भल रे मिसै देबा। किछि समय फुटिला परे एथिरु धीरे धीरे पानी मध्य सुखी आसिलाणी। पूरा भल भाव रे पागो धरिबा को बसिलाणी। बेसी समय एबे याकु बसेबा को हबनी। ए देखंतु पानी पूरा सुखी जाय छी, पागो मध्य बेस भल भाव रे धरि जाय छी। हम पूरा एबे हेइ गलाणी। एबे चुली को बंद करके याकु साइड करके रखि देबा। बर्तमान काकरा करिवे पई मु गोटे बड़ जगह रे 2 कप पानी को गरम करिया को बसे दे छी। एबे एथिरे अल्प जीरा देखिकी केते परिमाणर करूछु से हिसाब रे लुण, किछि अदा को छेचिकी दे छी बेसी नहो अल्प, ता सहित किछि गोलमरीच गुंड एवं पाखापाखि अधा कप हबो गुड़ को दे दउ छी। बर्तमान नेइथिबा सबु जिनस को पूरा भल भाव रे मिसै देकी याको किछि समय फुटिबा को रखि देबा। साधारणतः आम जमी काकरा खड़ी घरे माने अटा काकरार खड़ी जमी करा भी ठीक से भाई भाव में अटा काकरा ही हम एवं एथे 2 कप गहम चूना को देदेली। बड़देउळरे एही भाव में गहम चूना बा अटारे ही काकरा प्रस्तुत कराए। तापर चूलीर आंच को टिके कम कर देकी लगातार भाव में एक घाटिकी आम खड़ी तैयारी करनवा। ये देखो खड़ी पूरा हो आसे, अटा पूरा भल भाव में सीझी जाए। बड़देउळरे खड़ी करने समय स्वतंत्र लुहा खड़िकार व्यवहार कराए। देखु खड़ी हो जाए, चूली को बंद कर देकी या को ठंडा हवा को रखिदे। तापर एल्प पा हाथ होकु भल भाव चकटी देवा, जमी आमको पर काकरा गुड़ी गढ़ापी सुविधा हम। भल भाव चकटी नेलापर से ही चकटारू छोट बड़ मझियाल बृहत्काय यही विभिन्न आकृतिर गोलामान प्रस्तुत कर काकरा तैयारी कराए। काकरा को छाणीपी घी को गरम कर दि जाए। घी गरम हवा भितर एवं आम गोटे गोटे काकरा को गढ़ छाणी नवा। ये देखो मुझे गोटे कई जेहेतु अटा पूरा भल भाव में सीझी जाइए, तेणु चूलीर आंच को अधिक रखिकी गोटे पर गोटे काकरा को आम छाणी नवा। ये देखो गोटे पाख होगला ओल्टे नवा, दुई पाख पूरा भल भाव में नाली होगला आम या घीर काढ़ी नवा। यही भाव में गोटे पर गोटे छोट बड़ मझियाल एवं बृहत आकार काकरा गुड़िक प्रस्तुत करके आम या छाणी नवा। बड़देउळरे यही आकार हुए नहीं,
ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରର ହୁଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେହେତୁ କରୁଛି ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବି କରୁଛି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକୃତିର ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଯେଉଁ ଆକାରର ତାଡ଼ ଆସିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହି ଆକାରର ବଡ଼ ବଡ଼ କାକରାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଆକାରର କାକରା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଟାରେ କାକରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଏଇଦିନ ହିଁ ଅଧିକ କାକରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଗୋଟା ଜିରାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେଇକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ସରା ଥିଲା ତାକୁ ନେଇଛି। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ତ ତାଟ ଉପରେ କିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ପିଠାକୁ ପରସାଯାଏ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସରା ଉପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଠା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରେ ପୁରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ ସେହି ପୁରକୁ କାକରା ଉପରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳେଇକି ଦେଇଦେବୁ। ବଡ଼ କାକରା ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଟରେ ରଖିବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ କାକରାମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼, ଚାଟି, ପଲମ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଖି ଦିଆଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସରାରେ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ କାକରାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାକରା ଯେଉଁଟା କରିଥିଲି ସଭା ଉପରେ ଦେଲା ପରେ ୟା ଉପରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏହି ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଜଣେ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବାୟତ ଭଜା ହୋଇଥିବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଆୟୁଧକୁ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି ଫଳ ମୁଷଳ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ, ଗଦା ପଦ୍ମ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାଡ଼ରେ, ଖୋଲା ପଦ୍ମ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କଢ଼ି ପଦ୍ମ ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥାଏ। କାକରାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତା ଉପରେ ପୁରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଖେଳେଇକି ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା କେବଳ ପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୁଡ଼ୁଆରେ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ସବୁ ତାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ ନା, ଆମେ ସବୁ ଭାବୁ ସେଇଥିରେ ବୋଧେ କାକୁରା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ କାକରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛଣା ଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାକରା ଏବଂ ପୁରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ଭାଦ୍ରବ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ।